हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में लिंक एंड लोडर के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है एल्गोरिथम। आज हम लोग एल्गोरिथम क्या होते हैं और एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग बिल्कुल देसी भाषा में जान लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होते हैं। एल्गोरिथम समझे कहते हैं कि जैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं ना, तरीके इन द सेंस की बोले कि मतलब जो स्टेप होते हैं उनको ही एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि जैसे मान लो मुझे आज चाय बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले गैस ऑन करेंगे एंड आफ्टर दैट बर्तन गैस पे रखेंगे, फिर पानी मतलब वाटर ऐड करेंगे, फिर चाय पत्ती ऐड करेंगे, फिर मिल्क ऐड करेंगे एंड देन शुगर ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट उसे बॉयल करेंगे, फिर हमारी चाय बन के तैयार हो जाएगी। मतलब कि ये कुछ तरीके हैं कि हम लोग मान लो सबसे पहले वाटर ऐड करेंगे, चाय पत्ती ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, फिर चीनी वो शुगर ऐड करेंगे, फिर बॉयल कर देंगे तो हमारी चाय बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारे माइंड सेट में मतलब पहले से पता है कि ये कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करेंगे तभी जाके चाय बनेगी। क्यों, आप लोगों को डाउट हो रहा है? अच्छा, और भी कोई तरीके होते हैं क्या चाय बनाने के? अगर और भी कोई तरीके होते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा कि चाय बनाने मतलब किसी और तरीके से चाय बनाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो ये तो स्टेप हो गए ना। अब मान लो कि इन्हीं सबको जो स्टेप है इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। क्लियर? कि हम लोग कैसे अपने चाय बनाने की प्रॉब्लम को सॉल्व किए और हम लोग अपना चाय बनाए, यही पूरा सारे स्टेप्स को ही एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम इज अ प्रीडिफाइंड स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो क्या प्रीडिफाइंड स्टेप्स होते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं एल्गोरिथम। क्यों प्रीडिफाइंड होते हैं? कि और भी कोई तरीके हो सकते हैं क्या? जैसे कि चाय बनाने का मैंने बताया था, चाय बनाने का और कोई तरीका हो तो मुझे 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 जरूर बताना यार, मुझे नहीं पता है कि हम लोग मान लो बिना गैस जलाए ही चाय बना लें, मुझे नहीं पता। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर? और जो ये एल्गोरिथम होते हैं इनको मतलब फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट में, क्यों कि हम लोग एक काम को मान लो सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके कुछ मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। ऐसा नहीं है कि उसके जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, वो कभी स्टेप खत्म ही ना हो। एक दिन जाके वो स्टेप खत्म होगा, आठ लाइन दस स्टेप 12 स्टेप 15 स्टेप के बाद वो मतलब सारा जो स्टेप से वो खत्म होगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब टाइम मशीन बनाने चले, हम बोलो कि ये स्टेप है और टाइम मशीन तो बन ही नहीं रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है, समझिए। तो अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एल्गोरिथम में वो नोटेशंस कौन कौन होते हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग एक एल्गोरिथम लिखने के लिए। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज नोटेशन इज द नेम ऑफ द एल्गोरिथम। नेम ऑफ द एल्गोरिथम इट स्पेसिफाई द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। नेम ऑफ द एल्गोरिथम से आपको सब मतलब सिंपली पता चल जा रहा है यार कि जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम हमारी है क्या। पहले वो तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो हम लोग मान लो सॉल्यूशन तो लिख दिए, लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग चाय बना रहे हैं कि खीर बना रहे हैं कि खाओ कुछ और चीजें बना रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? और यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव ऐसे लिखते रहेंगे कि लोगों को मतलब हम लोग को मतलब बहुत इजीली पता चल सके, हाँ यार ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये देन सेकंड स्टेप है। क्लियर? और आफ्टर दैट एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स। हाँ, कमेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द एल्गोरिथम्स। व्हाई? बिकॉज कमेंट से हमें मतलब क्या हम लोग मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजों को मतलब वहाँ पे हम लोग क्या किए अपने मतलब उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कमेंट की हेल्प से। क्लियर? तो स्टेप नंबर एंड डिस्क्राइब द ऑपरेशन, हम लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। क्लियर? अब कमेंट तो हो गए, अब क्या टर्मिनेशन। अब ये टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि टर्मिनेट कहाँ होगा हमारा एल्गोरिथम। ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट कहाँ पे होगा, नहीं तो मान लो हम लोग अपने एल्गोरिथम करते चले गए कभी स्टॉप ही ना हो, यार ऐसे एल्गोरिथम का क्या मतलब। तो टर्मिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द एल्गोरिथम। क्लियर? ये जो फोर नोटेशंस हैं, नेम ऑफ द एल्गोरिथम, स्टेप नंबर, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स एंड टर्मिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द एल्गोरिथम्स। क्लियर? अब चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्गोरिथम, के प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज द फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब कि एल्गोरिथम जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हों,
ये नहीं कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि उसके इन्फिनिटी नंबर टाइम सब चले जाए स्टेप्स और प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी ना हो। जैसे कि हम लोग टाइम मशीन बनाने जा रहे हैं, टाइम मशीन के कोई स्टेप्स मुझे हम लोग को पता भी है नहीं कि वो कैसे बनता है। तो मान लो हम कुछ भी स्टेप्स फॉलो करते चले जा रहे करते चले जा रहे करते चले जा रहे तो हमें कभी आउटपुट मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग एल्गोरिथम नहीं बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें मतलब जिनके स्टेप्स फाइनाइट होंगे उनको ही एल्गोरिथम बोला जाता है। सेकेंड इज द एब्सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए हमारे एल्गोरिथम में। जैसे कि मान लो मैंने एल्गोरिथम लिखा, मैं उसे किसी और नज़र से मतलब पढ़ के कुछ और समझ लिया, और मान लो मेरा फ्रेंड उसी एल्गोरिथम को पढ़ के कुछ और समझ लिया, तो फिर क्या मतलब ऐसे एल्गोरिथम का? मतलब ऐसे एल्गोरिथम होने चाहिए जो बिल्कुल मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्लियरली डिफाइंड हो सब कुछ, हैविंग ओनली एंड वन इंटरप्रिटेशन, मतलब कुछ उन दोनों को समझ के जो मैं समझूँ वो भी वही चीज़ सेम थिंग्स मेरा फ्रेंड भी समझे, ऐसे ये होने चाहिए हमारा एल्गोरिथम। एंड थर्ड इज द डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। ईच स्टेप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, हैविंग ओनली वन इंटरप्रिटेशन, मतलब जितने भी स्टेप्स हैं सब बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, क्लियर। एंड फोर्थ वन इज द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट हमारे एल्गोरिथम में इनपुट कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और आउटपुट क्या रिजल्ट हो रहा है वो बिल्कुल मतलब बहुत स्पेसिफाई होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब कि वो हमारा एल्गोरिथम जो हो वो किसी भी मतलब कोई भी यूनिट दे, मतलब यूनिट बोल रहा हूँ इनपुट सॉरी, कोई भी हम लोग इनपुट दें उसके लिए वो क्या हो, फिजिबल हो, कि मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके किसी भी यूनिट इनपुट के लिए, क्लियर। तो हमारा एल्गोरिथम वो होते हैं फिजिबिलिटी। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।